अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक लेस डिज़ाइन, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ये डॉली का कॉटन थ्रेड लिया है। ये टू कलर थ्रेड है, नीडल ही है 7 नंबर 0.95 mm की। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर आपको इस तरीके के थ्रेड्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम इसे दुपट्टे पर बना रहे हैं, तो मैंने दुपट्टे पर ये बेस लाइन बना ली है। बेस लाइन कैसे बनाते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। टू चैन अटैच लेते हुए ये बेस लाइन हमने रेडी की है। अब हम आगे की डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके से आपने स्लिप नॉट ले लेना है और फर्स्ट कैप से हमने स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट कैप, स्लिप नॉट सिंगल क्रोशियो ले लेंगे। सिंगल क्रोशियो लेकर हमें यहाँ पर 4 चैन लेनी है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 चैन लेकर नीडल पर हम 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे, सॉरी 3 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे, एंड गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, 2 धागों में से बाहर आएंगे धागा लेते हुए, फिर दो धागों में से और फिर 2 धागों में से, इस तरीके से। अब हम बनाएंगे यहाँ पर 4 चैन, 1, 2, 3, 4। 4 चैन लेकर ये जो 2 धागे हैं इनमें हमें सिंगल क्रोशियो बनाना है, इस तरीके से। 4 चैन फिर जो ये 2 धागे हैं इनमें हम लेंगे सिंगल क्रोशियो, फिर लेंगे हम 4 चैन, 1, 2, 3, 4। फिर जो ये 4 चैन सॉरी 2 थ्रेड्स हैं इनमें नीडल डालकर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, फिर लेंगे हम 4 चैन, फिर जो ये 2 धागे हैं इसमें हम सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, फिर लेंगे हम 4 चैन और फिर ये जो 2 धागे हैं इसमें हम सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसा हमने 5 टाइम बना लिया। अब हम नीडल पर 3 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था, और नेक्स्ट गैप में ये गैप छोड़ देंगे। नेक्स्ट गैप में 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे, एक बार हो गया, अगेन 1 टाइम, अब यहीं से हमने फिर से नीडल पर 3 टाइम्स धागा फोल्ड करना है। और अब यहाँ पर हम 2 गैप ये छोड़ देंगे और 3rd गैप में बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे, 2 टाइम्स डबल ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे, ये एक बार हो गया। अब फिर से सेम गैप में डबल ट्रिपल क्रोशियो बनाएंगे। अब 2 बार बनने के बाद हमें ये पिकॉट वाली डिज़ाइन बनानी है, ये जो हमने 5 टाइम बनाया ना वो यहाँ पर बनेगा, 1, 2, 3, 4। 4 चैन लेंगे, इन 2 धागों में नीडल डालकर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे, इन 2 धागों में नीडल डालकर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे, 2 धागों में नीडल डालकर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे, 2 धागों में नीडल डालकर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे, 2 धागों में नीडल डालकर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। ये 5 टाइम कंप्लीट हो गया। अब नीडल पर फिर से हम 3 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे और ये गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में
टू टाइम्स डबल ट्रिपल क्रोशियो बना लेंगे, वन एंड सेम उसी गैप में एक बार फिर से बना लेंगे, दैट्स इट। और ऐसे ही हमारी ये डिज़ाइन कंटिन्यू बनती जाएगी। आपको जितनी लेंथ बनानी है आप इसे ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करोगे। एक और बताती हूँ मैं, फिर इसका फाइनल लुक बताऊँगी। ये इतना कंप्लीट होने के बाद नीडल पर थ्री टाइम्स धागा फोल्ड करके दो गैप छोड़कर थर्ड गैप में टू टाइम्स ट्रिपल क्रोशियो बनाना है। और फिर फाइव टाइम हम ऐसे पिकॉट बना लेंगे, वन टू थ्री फोर। फिर दो धागों में नीडल डालकर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, फिर फोर चैन लेंगे, दो धागों में नीडल डालकर सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। और साथ ही मेरा एक और चैनल है अरबिना बुटीक, वहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये देखिए इतना कंप्लीट होने के बाद आपने थ्री टाइम्स नीडल पर धागा फोल्ड करना है और नेक्स्ट गैप में टू टाइम्स ट्रिपल क्रोशियो बनाना है, वन एंड टू, इस तरीके से। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। सो गाइज, ये है इसका फाइनल लुक, और ये डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरीके से लगती है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।